आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। प्रज्ञा समाचार पत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण DGA को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत शासन ने अब पौधारोपण के पूर्व में निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि कर दी है। प्राधिकरण अब 101,000 की बजाय 130,000 पौधे रोपित कराएगा, यानी पहले से 29,000 ज़्यादा पौधे लगेंगे। इससे हरियाली बढ़ने की दिशा में मदद मिलेगी। पौधे लगाने के लिए उद्यान अनुभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्र में गड्ढा खुदाई का काम शुरू किया जा रहा है। 70,000 से ज़्यादा गड्ढे की खुदाई की जा चुकी है। इसमें मधुवन बापूधाम योजना के अलावा अन्य योजनाओं में पौधे रोपित करने के लिए तैयारी की जा रही है। DGA अध्यक्ष ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। उद्यान अनुभाग द्वारा पौधारोपण करने के लिए रोज़ाना गड्ढे की खुदाई का काम किया जा रहा है। DGA के उद्यान प्रभारी एवं अधिशासी अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि पौधारोपण का लक्ष्य बढ़ाए जाने के बाद अब 130,000 पौधे लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई कराई जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह से बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाएंगे। मधुबन बापूधाम योजना के अलावा सेंट्रल वर्ज राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम वैशाली, इंदिराप्रस्थ योजना, कोयल इनक्लेव योजना, लोनी सिटी फॉरेस्ट आदि क्षेत्रों में यह पौधे रोपित किए जाएंगे। मधुवन बापूधाम में करीब 30,000 गड्ढे पौधे लगाने के लिए खोदे जा चुके हैं। राजनगर एक्सटेंशन में 5,000 पौधे, मधुवन बापूधाम योजना में ग्रीन वेल्ड सेंट्रल वर्ज पॉकेट DEF में 35,000 पौधे, मधुवन बापूधाम में पॉकेट ABC में 40,000 पौधे, पॉकेट BD के पार्कों में 20,500 पौधे, इंदिरापुरम योजना के एंट्री वाइन पॉइंट 2,000 पौधे, वैशाली सेक्टर 1 मॉडर्न स्कूल के पास 3,500 पौधे, इंदिराप्रस्थ योजना के पॉकेट D सेंट्रल वर्ज पॉकेट H के पार्क पॉकेट E के पार्क में 4,500 पौधे, कोयल इनक्लेव योजना में मेट्रो ट्रेन के लिए आवंटित भूखंड के सामने पार्क में 5,000 पौधे, लोनी स्थित लालबाग में 7,000 पौधे, सिटी फॉरेस्ट में 3,500 पौधे रोपित किए जाएंगे। इन्हें मिलाकर कुल 130,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी स्थानों पर जुलाई के पहले सप्ताह से पहले गड्ढे खुदाई करने के बाद पौधारोपण किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।